नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सीएम विष्णुदेव साय ने साधा निशाना, कहा संसदीय परंपराओं का अपमान संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस की हार पर हुआ चिंतन, डॉक्टर महंत ने कहा समीक्षा के बाद हार का दर्द हुआ कम। और क्राउड फंडिंग कैंपेन पर बृजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा यह कांग्रेस पार्टी की लूट नीति का अभियान। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद हैं। सांसदों को सस्पेंड किए जाने से नाराज विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने नकल उतारी है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल करते दिख रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड करते दिख रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ा रहे हैं। देश के संविधान और संसदीय परंपराओं का अपमान विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है। विपक्ष ने एक बार फिर भारत की जनता को निराश कर देश का सर शर्म से झुका दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास में हुई। बैठक में कांग्रेस की हार पर चिंतन किया गया। विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसी को यहां विश्वास नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने गहन चिंतन किया, जो कुछ भी हुआ असहज है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब की समझ में नहीं आया। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने हमें समझाइश दी है जिससे हमारा हारने का और सत्ता चले जाने का दर्द कम हुआ है। न किसी ने ये विश्वास किया है कि आज हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने इस बात का गहन चिंतन किया कि जो कुछ हुआ है वो असहज है, सहज नहीं है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूं कि हम सबके समझ में नहीं आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के डोनेट फॉर देश के नाम पर क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किए जाने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हमला बोला है। उन्होंने इसे कांग्रेस की लूट नीति का अभियान बताया है। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के इस अभियान में कार्यकर्ताओं और देशवासियों से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। कांग्रेस नेता इसे 1921 के तिलक स्वराज फंड से प्रेरित बता रहे हैं, जबकि तिलक स्वराज फंड के द्वारा चंदे की राशि का सदुपयोग ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने में किया गया था। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि पैसा किसी स्थिति में आना चाहिए। छत्तीसगढ़ को लूट लूट कर कांग्रेस की तिजोरी भरने के बाद कांग्रेस अब कर्नाटक को अपने एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस इसी लूट खसोट की नीति अमल में लाने जा रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में रचा बसा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीरस करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का भाषण आईना होता है, उसमें वह बात नहीं आई जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी था। राज्य सरकार ने राज्यपाल से नीरस भाषण कराया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ, 18 लाख आवास की बात करते हैं, कल्याण उन्नति योजना है, 3100 रुपए के बारे में कहा गया है, बोनस के बारे में कहा गया है, कर्ज माफी के बारे में मुख्यमंत्री अलग कहते हैं और उनके नेता अलग कहते हैं, अनुपूरक बजट में भी कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई वह कदम सरकार बनने के बाद दिखाई नहीं दिया। इसमें यही मैं कह रहा हूँ, किसानों के केवल और 2 साल का बोनस है और आवास का, वो भी पिछले सरकार के जो दूसरी किस्त है, यदि देंगे तो दूसरी किस्त का पैसा होगा, तो इसका मतलब 18 लाख लोगों को कुछ मिलना नहीं है। केवल वो जो 7 लाख 7.5 लाख लोगों को दिए हैं उसी के दूसरा किस्त होगा, और बोनस का 2 साल के पुराने बोनस का 3100 रुपये में खरीदी की किस प्रकार से व्यवस्था होगी। 21 क्विंटल खरीदी के आदेश अभी तक नहीं हो, केवल उसमें बजट में प्रावधान करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको तो आदेश ही निकालना था 21 क्विंटल खरीदी करना है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये जो प्रथम अनुपूरक आया है बहुत ही निराशाजनक है, खासकर किसानों के लिए
और जो आवासहीन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। नक्सली घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल नियंत्रण पर हमारी सरकार ने काम किया, भाजपा सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। एक भी मतदान केंद्र नहीं था जिसमें 0% मतदान हुआ हो। अधिक मतदान होना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार में नक्सलियों पर लगाम लगा था। सबसे बड़ी बात यह है, नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक एक जवान की शहादत हुई थी, उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी, मतदान में कहीं रुकावट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक ये चुनाव निर्बाधित रूप से संपन्न हुआ। जहां मतदान केंद्र पहले नहीं थे, सड़क के किनारे उसके पोलिंग बूथ बनाया जाता था, अब वो चाहे वो सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सब अंदरूनी क्षेत्र में, नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान केंद्र खोले भी गए, मतदान भी हुआ। ऐसा एक भी मतदान केंद्र नहीं है जिसमें 0% मतदान हुआ हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को खरसिया विधायक उमेश पटेल ने शून्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उनके अभिभाषण में कुछ खास नहीं रहा। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण को अगर आप पूरा देखेंगे तो राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं था। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है जिससे सदन को सरकार के आने वाले एक साल में जो गतिविधियां हैं, जो करने जा रही है, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूँगा कि ये शून्य रहा, 0/8 रहा। यही मैं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के द्वारा जो बुलवाया गया है, सरकार को यही कहूँगा कि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, किसी तरह का कोई काम करने की सोच नहीं है आपकी, साल भर में आप क्या करेंगे। इसलिए अभी राज्यपाल के अभिभाषण को मैं 0 कहूँगा। पूर्व मंत्री व खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के एक साल की गतिविधि, जो सरकार करने जा रही है, उनका जिक्र होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे अभिभाषण को शून्य कहूंगा और यह पूरा भाषण 0/8 रहा। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या को लेकर विधायक उमेश पटेल ने कहा कि यह जो आत्महत्या हुई है वह कर्ज के कारण हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र में घूम घूम कर 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का वादा किया है, लेकिन वे अभी से अपने वायदों से मुकर रहे हैं। ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। और विजय शर्मा जी जो अभी तात्कालिक उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार बार अपने चुनाव प्रचार में और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने घोषणा कराया है कि वो 2 लाख तक का कर्ज हर किसान का माफ़ करेंगे, लेकिन देखने को ये आ रहा है कि वो अपने वादों से मुकरना अभी से शुरू कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम विधानसभा में इन सत्ता पक्ष को घेरेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।